सबसे सबसे गुरु तुम क्या मिले खुशियाँ मिली मेरी किस्मत एक झटके में खुली सतगुरु तुम क्या मिले खुशियाँ मिली सतगुरु तुम क्या मिले खुशियाँ मिली जब से मैंने हाथ पकड़ा आपने जब से मैंने पकड़ा आपने बिगड़ा था जीवन सवारा आपने बिगड़ा था जीवन सवारा आपने तुमसे जीने की मुझे मोहलत मिली तुमसे जीने की मुझे मोहलत मिली तुमसे जीने मुझे मोहलत मिली सतगुरु तुम क्या मिले खुशियाँ मिली सतगुरु तुम क्या मिले खुशियाँ मिली मिले मेरी क्या गुण में मेरी क्या औकात गुण मैं गाऊंगा सेवा में आशा कहाँ से लाऊंगा सेवा में आशा कहाँ से लाऊंगा बोलने की शक्ति भी तुमसे मिली बोलने की शक्ति भी तुमसे मिली बोलने की शक्ति भी तुमसे शक्ति भी तुमसे सतगुरु तुम क्या मिले खुशियाँ मिली सतगुरु तुम क्या मिले खुशियाँ मिली मेरी किस्मत एक झटके खुली किस्मत एक झटके खुली सतगुरु तुम क्या मिले खुशियाँ मिली सतगुरु तुम क्या मिले खुशियाँ मिले जब से मेरा हाथ पकड़ा आपने जब से मेरा हाथ
मिली अंधे को जैसे की दो अंधे को जैसे की दो आंखें मिली सतगुरु तुम क्या मिले खुशियां मिली सतगुरु तुम क्या मिले खुशियां मिली मेरी किस्मत खुली खोली सतगुरु तुम क्या मिले खुशियां मिली सतगुरु तुम क्या मिले खुशियां मिली तेरे चरणों नहीं अब छोड़ना तेरे चरणों नहीं अब छोड़ना विनती है तू न मुखरा मोड़ना विनती है तुम भी न मुखरा मोड़ना तुमसे जीने की मुझे मोहलत मिली तुमसे जीने की मुझे मोहलत मिली तुमसे जीने मुझे मोहलत मिली सतगुरु तुम क्या मिले खुशियां मिली सतगुरु तुम क्या मिले खुशियां मिली मेरी क्या औकात गुण मैं गाऊंगा मेरी क्या गुण मैं गाऊंगा शोभा में शब्द कहां से लाऊंगा शोभा में शब्द कहां से लाऊंगा बोलने शक्ति भी तुमसे मिली बोलने की शक्ति भी तुमसे मिली बोलने की शक्ति भी तुमसे मिली सतगुरु तुम क्या मिले खुशियां मिली सतगुरु तुम क्या मिले खुशियां मिली बिन गुरु के जीना तो बस बिन गुरु जीना तो बस खाक है गर गुरु ना जानू तो अपना
लगता है गली बिन गुरु के काटा लगता अरे गली बिन गुरु के काटा लगता अरे गली सतगुरु तुम क्या मिले खुशियाँ मिली सतगुरु तुम क्या मिले खुशियाँ मिली आँख झपको तो हुकुम है जब तू तो आपका सांस लूं तो ये करम है आपका सांस लूं तो ये करम है कितनी खुशी तुमसे मिली क्या कहूँ कितनी खुशी तुमसे मिली क्या कहूँ कितनी खुशी तुमसे क्या कहूँ कितनी खुशी तुमसे मिली सतगुरु तुम क्या मिले खुशियाँ मिली सतगुरु तुम क्या मिले खुशियाँ मिली मेरी किस्मत एक झटके में खुली मेरी किस्मत एक झटके में खुली सतगुरु तुम क्या मिले खुशियाँ मिली सतगुरु तुम क्या मिले खुशियाँ मिली ये अनुभव है कि सतगुरु के मिलने से खुशियाँ मिलती हैं कि दुख मिलता है क्या है अनुभव जीवन में बोले इस बात का अनुभव है बल्कि ऐसा भी हुआ है कि मुझे तो लगता है कि बाकी का तो नहीं पता लेकिन अपने जीवन में कई बार ऐसा होता है जिसे कहते हैं ना धक्के लगते हैं धोखा चक्का जो भी कहो जो मसानी वैराग कहते हैं जो भी होता है तो मन उचटता है तो एक तो होता है जैसे बचपन में मम्मी लेके गई सत्संग में तो वो गए भैया मम्मी लेके जा रही है अच्छी जगह जा रहे तो ठीक है वो एक आदत बनी एक होता है जैसे जो मुझे याद है नानी का जो उस समय में नानी ने जब बोला तो वो बात जैसे कुछ घर की नियम की बात और जाने की बात और उस समय मुझे था भी कि कहीं कुछ अच्छा नहीं लगता ऑफिस वगैरह में भी और घर भी कुछ ऐसा माहौल फिर बाद में धीरे धीरे समझ में आया कि शायद वो जरूरी था क्योंकि वो नहीं होता तो इधर ध्यान नहीं लगता अभी लगता है कई बार लगता है यार कर रहे हैं हो नहीं रहा ये वो तो सत्संग में आंसर पूछते तो अब ये लगता है कि हाँ वो मिल जाता तो फिर उसी में रहते
कि देखा जाए तो भैया हर चीज इतनी अच्छी है, बाहर की अपनी क्यों आया गया था। तो ये लगता है कि हाँ वो दुख है या जो भी आता है वो इसलिए आता है कुछ समझाने के लिए, तो अंदर करने के लिए जो भी हम बोलते हैं, तो ये इसलिए जरूरी है। फिर बाद में धीरे धीरे बदलाव भी आता है, एक फर्क दिखता है, महसूस होता है, वही लोग अच्छे भी लगते हैं कि हाँ यार ये नहीं मारता ला शायद नहीं मिलते। तो फिर धीरे धीरे वो एक चिड़ती कम होने लगती है, लगता है जैसे रस्ते में बोला जाता है सब तरफ भगवान है, इसमें भला है, ये एक कोशिश और होती है कि देखो अच्छा क्या उसने। क्योंकि ये भी आता है धीरे धीरे सत्संग से कि अगर ये नहीं देखा ना तो अपना जीवन दुभर हो जाएगा किसी और के लिए, अपना जीवन दुभर हो जाएगा, कितना शिकायत करेगी, कितना निंदा करेगी, कितना करेगी, कब तक करेगी। तो ये बदलाव जो है ये अंदर का जो भी है ये सत्संग से गुरु जी के पास आता है, ये मेरा अब तक जो अनुभव रहा। वेरी गुड वेरी गुड, सच्चाई है ये, यही अनुभव भक्त को होता है। क्योंकि पहले क्या होता था, अच्छा भी खराब लगता था मन में, जैसे इसमें था ना इस भजन में एक लाइन थी कि बिन गुरु के कांटा लगता हर कली, तो ये बात बिल्कुल सही थी कि अच्छा भी कांटे की तरह से लगता था मनमती के कारण, और किसी का मनमती इतनी हावी रहती थी, अपने विचार से चलना, अपने विचार को ही सही मानना, अपने विचार से चलाना, तो ये आदत है हम सब की, और उसी में सब उल्टा तो खराब लगता ही था, सीधा भी खराब लगता था अगर मन की ना करे तो। लेकिन गुरु जी ने क्या किया कि कबीरदास जी के दोहे को भी सार्थक कर दिया अपने, हम लोग के अनुभवी में था, निंदक नियरे राखी है आंगन कुटी चवाए, तो बोले निंदा से क्या है, हम अपनी जो हमारी बाहर की इंद्रियों की जो थोड़ी आसक्तियां कह लो, या जैसे इंद्रियों का जो बहाव था, उनको भी देख पाए कि कैसे बोलने में इतने सरल थे हम, तो बहुत सरल, जो बहुत सच्चाई थी, छल कपट नहीं था, बहुत सरल था। यहाँ तक पप्पू भी बोलता था कि आप तो बिन पेंदी का, कभी लड़ाई होती थी तो आप तो बिन पेंदी का लौटा है, उसकी बात सुनी तो उसकी तरफ तो सही लगने लगा, आपको उधर की सुनी तो वो सही लगने लगा, ये भी बोलता था वो, तो समझ अच्छा बोलने से गुरुजी मिले हुए थे समझ में आता था। लेकिन धीरे धीरे इन्हीं सब बातों को समझते समझते ये समझ में आया कि वास्तव में अपने आप को जब कोई ऐसा बोल रहा है तो सरलता भी अपने जीवन से खत्म करनी पड़ती है, मतलब आपको जैसे सरलता अच्छी चीज है, लेकिन सरलता में भी आपको थोड़ा सा अपने आप को रोक कर अपने शब्दों को संभाल के बोलना पड़ता है, बोलने की आदत जो है वो, बोलने की आदत, क्योंकि सरलता में सब बोले जा रहे हैं तो आदत है ना, तो उसके लिए भी रोक लगाता है कोई, तो क्योंकि गुरु जी मिले इसलिए उस रोक को गलत नहीं माना, बल्कि कहा हाँ सही तो है, क्यों बढ़ता है, क्यों किया, तो इस तरह से रोकते रहे, तो उस तरह इंद्रियों को रोकने का काम प्रकृति में अपने आप आसपास से ही होता है। तो जितना हम इंद्रियों को रोकते हैं खुद अपनी इंद्रियों को गुरु के विचार से, तो उससे क्या हुआ कि उससे क्या हुआ हमारे को ताकत मिल गई गुरु की, हमको तुमको ताकत गुरु की कहां से मिलती है, यहीं से तो मिलती है, जब तुमने बोला ना कि तुम काटे थे देख रहे थे, तो बड़े अब शुक्राना भी करने लगे कि अगर वो ना हुआ तो होता तो इधर ना आते। इधर आने का अर्थ क्या है, इधर आने का अर्थ ये है कि हम अपने अंदर में परमात्मा को खोजने लगे, जो गुरु जी ने कहा, इधर आने का यही अर्थ है, इससे अगर कोई अर्थ नहीं है, क्योंकि संसार तो अभी भी है, सबके पास है सब कुछ है, लेकिन हम अंदर जाने लगे, हर घटनाक्रम के माध्यम से हम अंदर झांकने लगे और अपनी चैन को पाने के लिए गुरु के विचार को अपनाने लगे, बेचैनी के लिए नहीं, गुरु का विचार दिखावे के लिए, अपने चैन को पाने के लिए, अपना चैन ही तो हम होते हैं, दूसरा देख के हम अपने चैन, बोले अपनी बच्चे से भी हम दूसरा देख के तो अपना चैन खो देते हैं,
जबकि इतना प्यार है, बच्चा माँ बाप भाई बहन ये सब बड़े मोह के रिश्ते हैं, है ना। इनमें बहुत खून का है हिसाब किताब, ये जोर मारता है रिश्ते में, ऑलरेडी खून शामिल है। इसलिए क्या है बहुत प्रीत है, और अब तो गुरु के विचार से और प्रीत हो गई, दोनों बातें होगी ना। अब तो धर्म से भी गुरु के विचार से चलने लगे तो क्या है, प्रीत को कोई कमजोर ना हो जाती है। लेकिन क्या है, इंद्रियों की जो आदत पड़ी है, एक अधिकार भाव हम सबके अंदर होता है कि ये मेरी है तो मैं इसको जो चाहूं सो कह लू, ये मैं ये मेरा है तो इसको जैसे कह लू, ये जो ये सोच है बोले उसी जगह पे अपने आप को रोकना पड़ता है। ये भी परमात्मा है, इसके अंदर भी तो मेरी परमात्मा है। अगर मैं आत्मा हूं तो इसके अंदर मेरा परमात्मा है, तो कोई बात आ रही है तो मुझे उसको ध्यान देना है। सही गलत फैसला नहीं करना कि ये सही है ये गलत है, ये ज्ञान ही नहीं है यार, सब सही है। लेकिन इंद्रियों पे रोक नहीं है, बिल्कुल भी रोकना नहीं आता। विकारों के वशीभूत है, कहते भूत जब चढ़ जाता है तो कैसा लगता है, अच्छा खासा व्यक्ति होगा, भूत चढ़ जाए, चाहे भूत इस पे चढ़ गया है तो क्या होता है, वो उसी व्यक्ति के पास जाने से डर लगने लगता है क्योंकि भूत चढ़ गया उस पे। गुरु जी ने बोला ये विकार भी भूत हैं, जब ये हम पे तुम पे हमला करते हैं तो हम भूत के सदृश हो जाते हैं, हमारे भी नजदीक को जाने से डरता है। नहीं तो भूत है क्योंकि ये भूत है, और तुम वैसी नहीं हो, हम वैसे नहीं है, ये विकार तो हमारे पर जो हमला करते हैं हम उनके वशीभूत हो जाते हैं। तो गुरु जी ने इन विकारों इन भूतों से बचने का कितना अच्छा उपाय बता दिया, कितनी अच्छा ज्ञान दे दिया कि तेरा प्रारब्ध कट रहा है और तुझे अपनी घर में पहुंचने का, घर में आने का एक साधन मिल रहा है। तो भक्त क्या करते, किसी भी घटनाक्रम को गलत इसीलिए नहीं कहते, वो कहते हैं कि जो हो रहा है वो अच्छा हो रहा है, लेकिन करते समय वो सजग, उन्हें मालूम है कि हमें कहाँ रुकना है, हमें क्या बोलना है। हमारे मन में भूत चढ़ा है तो हम सब बोल, भूत चढ़ गया ना हमारे पर, किसका, अहंकार का भूत, क्रोध का भूत, मोह का भूत, लोभ का भूत, ये सब भूत है, ये विकार भूत है, अहंकार उनका बाप है। तो बोले जब चढ़ जाते हैं तो हम अपने आप अपने स्वरूप से हट जाते हैं, और स्वरूप से हट के हम अपने आप को बहुत ही पहचान भी नहीं पाते हम क्या थे और क्या हो गए। लेकिन ये गुरु जब मिला तो उसने ऐसी खुशियां दी, क्यों, उसने हमारी इंद्रियों पर ही रोक लगाई, उसने और कुछ नहीं किया। बोले अगल बगल प्रकट होकर भी उसने हमारी इंद्रियों को ही वश में किया, किसी के रूप में प्रकट हो गया लगेगा फलाना कर रहा है डिमकानी कर रही है, लेकिन क्या हुआ, हमारी आदत डाल दी सही बोलने की, सही देखने की, हम सही करने की, विकारों के वशीभूत होके इंद्रियों को नहीं चलाते, गुरु से प्रभावित होके हम इंद्रियों को खोलते और बंद करते हैं। तो बोले क्या है, महिमा किसकी होती है, तुम्हारी होती है, जब तुम रोकते हो तो तुम्हारी होती है, हम रोकते हैं तो हमारी होती है, क्योंकि गुरु प्रसन्न होता है। बोले मेरी औकात नहीं थी कि जो है ना ये खुशियां मिलती, कोई मुझे पूछता, कोई मेरे जीवन में मेरे अपने कर्म तो मेरे बहुत खराब, मेरे साथ कोई होता, मेरे जीवन में बोले पति चला गया, बेटे का ऐसा हुआ, अगर उस समय गुरु के विचार को ना अपनाते तो बोले सब अपने प्रारब्ध अनुसार सब चीज से आती तो गो बैठते। खुशियां अगर मिली जीवन में तो गुरु के कारण मिलने लगी, तो बहुत बड़ी सच्चाई हुई। खुशियां को तो लिए कहां खुशियां थी उस समय, अपने प्रारब्ध मुंह बाय खड़े हैं कि कुछ ना कुछ हो रहा है लेन देन के हिसाब से जो भी हमने कर्म किए। तो ये कर्म से हटके गुरु जी ने जो दिया है हम लोगों को, मन माना हमने अपने जीवन में जो चाहा वो पाया, जो हमारे सपने, हमारी औकात नहीं उसके बाद भी गुरु जी ने हमारे सपने पूरे किए अगर देखा जाए तो।
देखो आंख खोल खोल के देखो तो हम लोग के कैसे सपने पूछे, हम लोग के औकात थे, कोई औकात नहीं हमारे, लेकिन गुरुजी हमारे सपनों तक को पूरा कर रहे हैं, हमारे जीवन की जरूरतों को पूरा कर रहे हैं, हम भर भर के हमको खिला रहे हैं जैसा हम चाहते हैं, हम कितनी देर उनका शुक्राना करते हैं? शुक्राना कहाँ है? शिकायत होती है, अगल बगल कौन है? परमात्मा ही तो है, कितनी शिकायत है? तो क्योंकि शुक्राने में रहने की आदत नहीं है, गुरु जी ने आदत बनाई कि मुंह से शुक्राना बोलो तो सही गुरु जी का, कि कितना शुक्राना है। कारण तो बहुत अलग अलग है, कर्म तो बहुत, लेकिन गुरु की कृपा से हम सब गमों की दलदलों से निकले हुए हैं और नाजों में पल रहे हैं, ये बिल्कुल राइट बात है। लेकिन क्या है, हम अपने ही आप अगर अपने ही ऊपर कहते नहीं मूर्खों की तरह से वो डाल काटे जिसपे हम बैठे हैं तो गिरेंगे तो हम ही ना, दूसरा थोड़ा ना। तो इसलिए बहुत सोच समझ कर हम लोगों को ये रोकना वाणी का आंखों का दे, गुरु जी ने इतनी आंखों का परहेज करा है, हम तो इतने शुक्राने लगते हैं कि अगर गुरु जी ने आंख का परहेज ना कराया होता जबरन, इसको कहते हैं जबरन, तो कभी भी हम जो है गुरु जी को जान ही ना पाते और गुरु कैसे जो है हमारा भला करता है हमारी इंद्रियों का रोक के। कोई इसलिए नहीं रोकता है, रुकवाता है इंद्रियों कि उसका भला हो रहा है या बड़ा, हमारी महिमा, आज कोई भी महिमा जरा सा भी कोई बोलता है कि उनके जैसा बनो या ऐसी है शुद्धता की बात, तो लगता है कि ये सब गुरु जी की अमानत है, क्योंकि उन्होंने अगर नजर न रोकी होती तो नजर से इतना रस लेना और देना कर चुके होते कि खंखड़ हुए होते और ज्ञान बाँचते हम, और लोग कहते बनती बहुत है, हम भी जानते हैं कितना, क्योंकि जिसको दिया होता रस भूखते बड़ा आराम में नहीं रहेगा, बताएगा नहीं अगल बगल वालों से, जरूर बोलेगा अच्छी बात, गलत बात बोलता है तो अच्छी बात भी बोलता है तो गलत बात भी बोलेगा, अरे हमें मालूम है महात्मा का क्या हिसाब किताब है, करते क्या है अंदर में, ये ऐसा बोलते हैं सब, हम लोग बोलते हैं ना किसी को देख के जरा सा, तो दूसरे हमारे लिए नहीं बोलेंगे, लेकिन अगर गुरु से प्रीत है तो हम लोग क्या करते हैं, हमको तो मालूम भी नहीं होता गुरु हमारी भलाई के लिए सब कर रहा है, लेकिन गुरु से प्रीत होती है तो गुरु के विचार से बस अपने आप कुछ नहीं, अपने और कुछ तो संभाल नहीं सकते, सिर्फ इंद्रियों पर रोकते हैं, रोकते 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 भैया ऐसा हो गया कि इतनी इज्जत किसी के घर में बातचीत हो देवी करके तो ये अपनी इज्जत नहीं लगता, अपना कोई कारगुजारी नहीं लगती, लगता ये तो गुरु का कमाल है जिसने इंद्रियों को रोक के महानता की सीढ़ी पे बैठा दिया, महानता के आसन पे, नहीं तो मन तो अभी भी वही है, मन तो ना कुछ हो गया अलग, लेकिन मन से अलग रहने की कला भी तो गुरु जी ने सिखाई है, इंद्रियों को मन के अनुसार न खोलो। तो ये ताकत कब मिलती है, जब हम गुरु जी के विचार को अपना के थोड़ा सा प्रयास करते हैं, तो उन्हीं माँ बाप की तरह कि बच्चे ने थोड़ा सा प्रयास किया कि हमें बड़ा याद है कि छोटा सा था तो बहुत नन्ना सा, ऐसी कोई बात अचानक से बोल दी, अरे बाल्टी उठा लो भाई, अब भरी बाल्टी उठाने के लिए वो तत्पर हो गया कि मम्मी ने कहा, बस इतना ही तो था उसके दिमाग में, कुछ भी नहीं था तत्पर, वो तो उतनी देर में जैसे ना जागृति आ गई कि अरे नहीं मम्मा वो कर लो, अंकुर ने उठाई, लेके हम ही गए सारी बाल्टी, वहां तक जहां तक पहुंचनी थी वहां तक बाल्टी हम लेके गए, लेकिन हमने नाम किसका लगाया, हमने कहा अंकुर ने बाल्टी उठा दी, देखो अंकुर ने बाल्टी उठाई, नन्ना बच्चा तो बड़ा खुश हो गया कि हम उठा के ले जा रहे, उसे मालूम नहीं कि पीछे मम्मा को फोर्स लग रहा है हैंडल पर, तो ऐसे ही तो हम लोग हैं मूर्ख, ऐसे ही तो नन्हे बच्चे हम लोग भी हैं, हम अपना फोर्स मानने लगते हैं, अपनी अपनी ताकत मानने लगते हैं, अपनी कारगुजारी की महिमा की बड़ी तारीफ करते, जबकि सारी ताकत गुरु जी की है, सारी शक्ति गुरु जी की है, और वो बच्चे की तरह से हमारी महिमा कराता है कि
तुमने उठाई, वो बड़ी अच्छी, वो बड़ी ज्ञानी, वो बड़ा प्रेमी, वो बड़ा ऐसा, वो बड़ी कर्मठ, वो बड़ा ऐसा, जबकि सारे पात्र उनके अपने चुने हुए हैं। महिमा हमारी तुम्हारी हो रही है, अहंकार महिमा को खत्म कर देता है, अहंकार से महिमा क्या आनंद अंदर का चला जाता। तो क्या अहंकार थोड़ा सा रुकना सीखो, तब तो वाणी को मौन करे, बोले अभी तुम वहां पे रुको, अभी मुझसे बोलने वाले हैं कुछ गलत, जिससे हमारा ही चैन चला जाएगा तो हम रोके। अभी हम कुछ ऐसा देखने के लिए मन ललचा रहा है कि रस ले ही लें, लड़की जा रही है, लड़का जा रहा है थोड़ी देर का, बोले नहीं गुरु जी ने मना किया तो रोक लो, देखो तुम्हें कैसे रस वाला लोग मिलते हैं, तुम्हें कैसे परमात्मा तुम्हें भर भर के सब यहीं पे दे देगा, इसी दरबार में सब मिलता है, कसमदार कहीं जाना नहीं पड़ता, हटके इस दरबार से सारी शुद्धता से सारे भोग मिलते हैं। लेकिन बोले एक शर्त है साथ में, क्या इंद्रियों को खुलना और बंद करना, क्या हम उनके हुए हैं गुरु के हैं, कहीं से कहीं तक नहीं, बातें बड़ी बड़ी कर रहे हैं, सब बड़ी पूजनीय है, गुरु का घर है, गुरु के घर का कुत्ता भी पूजनीय है, हमने किसको पूजनीय बनाया हुआ है, हम तो धूप पे धूप, क्वेश्चन आंसर ऐसे ऐसे, उसने बोला हमने बोला, हमने बोला उसने बोला, जवाब देते हमने कौन सी इंद्रिया रोकी है, जब इंद्रिया ही नहीं रुकी है तो दिमाग कहां से रुकेगा। सबसे पहले तो वाणी रोकनी पड़ेगी, आंख रोकनी पड़ेगी, रुकती कहां है, इसीलिए जैसे चाहेगा वैसा बोलता है, अब कहता है सुन लीजिए मेरी बात, सुन लीजिए मेरी बात, पहले कौन सी रोकी है बात बताओ, कौन सी इंद्रिय रोकी है, दिमाग क्यों नहीं रुक पाया है, दिमाग तो तब रुकेगा ना जब हम अपने मन के विचार से अपनी इंद्रियों को नहीं मिलाएंगे, इंद्रियां अगर हम मिला लेंगे, क्या ये मेरा तो मन आ रहा है, इसलिए हम मन की हम बात बता रहे हैं, बोले जरूरत गुरु ने, जब गुरु जी कहे हमसे तब हम मिलाए, अन्यथा क्या जरूरत है बताने की, मन किसने कहा, रात दिन मन की कर लो उसके बाद कहो भगवान, रात दिन मन की बात कर, मन के कौन सा ज्ञान ले रहे हैं, अहंकार से माथे हुए हैं, बिल्कुल गाफिल है, बिल्कुल गाफलत में जीवन जा रहा है, पछताने में पछताना ना पड़ जाएगा, क्यों बेसाखता क्या गुरु के हैं, कैसे गुरु जी के होएंगे हम, जब तक गुरु के विचार से हमने अपने उनको क्या अपना तन सौंपा है, इंद्रियां कौन सी सौंपी है, कहते हैं मैं गुरु का हूँ, मैं गुरु की हूँ, तो फिर मैंने क्या सौंपा है गुरु को अपना, विचार कर क्या सौंपा है, अब क्या सौंप सकते हैं, बोले बन गए, इतना भी हितैषी गुरु को नहीं माना कि वो मेरे हित की बात करता है, दोस्त को बड़ा हित है, दोस्त थप्पड़ अभी पिछले से देखो एक दो दूसरे दूसरे को थप्पड़ मारता है, लेकिन उसको मालूम है ये हित के लिए मारा जा रहा है, मेरी वो इंसल्ट नहीं करी जा रही है, मेरे व्यक्तित्व पर कोई वो नहीं है, ये मैं गलत दिशा में जा रहा हूँ इसके लिए मार, और वो दोस्त कभी ये थप्पड़ क्यों मारा तुमने, तुमने ये क्यों किया, तुमने वो क्यों किया, हम तो अपनों ये सब करते हैं, दूसरों को दबाती छोड़ दो, हम तो अपनों के साथ ये सब करते कि हम अपने काय के हमारे वो, और कैसे हो जाएंगे वो हमारे अपने, कौन सी हम उनकी इंसल्ट करने से रुकते हैं, वाणी मोह के कारण वाणी से अगर कहीं रुक जाते हैं, भाव भाव से दर्शा देते हैं, बातें हम चाहे जितनी बड़ी बड़ी कर लें,
ये तो वो दरबार है जहां पराए भी अपने हो जाते हैं, ये वो दरबार है। पर हम ऐसे हैं कि हमारे अपने भी पराए हो गए हमसे। कारण क्या है? कभी अपनी तरफ हमें झांकना चाहिए, जरूर से झांकना चाहिए। एक ज्ञान दे रहे हैं हम गुरु जी का, कोई मखौल कर रहे नहीं। एक अरे एक डेढ़ घंटा या दो घंटा बहुत कीमती होता है, संसार में बड़े काम करने होते हैं, बड़ा रस लेना होता है, बड़ा रस लेना होता है। लेकिन फिर भी हम सब बैठते हैं, कारण क्या? अपनी इंद्रियों को वश में करने की ताकत लेते हैं। गुरु के विचार से जब चलते हैं, जैसे माँ बाप के विचार से बच्चा चलता है तो माँ बाप खुश हो जाते हैं ना? और चलते चलते भी अगर माँ बाप नहीं खुश तो क्या होता है? अरे हमने तो इतना कर लिया, उसके बाद भी कौन सा गुरु जी खुश हुए? लेकिन ऐसा होता नहीं। अगर हम रोके अपने आप को, ये संसार में होता है कि हम अपनी इच्छा वासना के इतने ज्यादा गुलाम हो जाते हैं कि हम अपने मन की करवाते हैं। गुरु में ये सब नहीं होता है। गुरु के विचार में तो चलो, तो जरा सा गुरु के प्रति हमारा भाव चेंज होता है कि वो सही, उनका उनका हिसाब किताब ही चेंज हो जाता है, उनका व्यक्तित्व तो पूरा हमारे लिए बदल जाता है। और जब तक मेरी ऐश रहती है वो गुरु हमसे बैठा रहता है। बाहर से हम चाहे कितने कर्म रहे, अच्छा बताओ सबके अंदर वो परमात्मा पल रहा है, सबके अंदर वो परमात्मा पल रहा है और वो साक्षी काम करता है, दिखता है। आप बैठे रहो और कर्म खूब करो, अंदर से गलत माने रहो गुरु को या किसी को भी, आपका वो कर्म क्या उसको समझ आता है? क्यों? आपके अंदर भी वही साक्षी बैठे जो उसके अंदर है। तो साक्षी से साक्षी की बात करो, साक्षी से बात करो, नाम रूप से क्यों बात करते हैं हम लोग? बोले यही गुरु जी ने कहा है कि नाम रूप नाश करके ब्रह्म का प्रकाश करके बातचीत करो। इन नहीं सम अभी नहीं आदत है तो कम से कम वाणी को तो रोको, हाथ को तो रोको, आंख को तो रोको। रोकना ही नहीं, और उसमें सही और गलत के लिए और जिरह करना, मैं सही तू गलत, तू सही मैं गलत, ये तो उसी समय मन में आ गए। उसके बाद तो बात पत्ते टटोल रहे हैं, उसके अलावा कुछ बात ही नहीं कर रहे। तूने क्या किया था? तूने भी तो वही किया, मैं कर रहा हूं, मैं कर रही हूं तो बड़ा सही है, तुझे अब गलत लग रहा है। ये सब कैसी बातें हैं, सोच के देखो। पत्ते ही टटोलना ना, बोले सार तो बह जाता है, सार हाथ से छूट जाता है, पत्ते टटोलने लगते हैं सही गलत के। गुरु जी ने कहा सार पकड़ लो, साधु ऐसा चाहिए जैसा सूप स्वभाव, सार सार को गही लहे तो उड़ाए। तो साधु बनना है, पहले हमें साधु बनने की कहती है। भगवान और आत्मा ये सब तो बड़ी दूर की बातें हैं। देव सबसे पहले साधु बनो। साधु का मतलब है साधो अपनी इंद्रियां। भागवत हम पढ़ते थे और हमने गुरु जी से समझा था, और जब उसमें भागवत में माँ को सुनाते थे तो उसमें यही लिखा था साधु की परिभाषा। साधु की परिभाषा ही यही है, जब आप अपनी अपनी इंद्रियों को आप साधते हैं, साध के आप सही बात बोलते हैं दृढ़ता से। तो इंद्रियां सदी तो है ही नहीं, कहीं से कहीं तक परमात्मा हमें मिल जाए, सारी आनंद मिल जाए हमें, कहां मिले बाहर हो, संसार में है ही नहीं। संसार में तो सिवाय खोजट के कुछ है ही नहीं, क्योंकि सार तो परमात्मा है जो तेरे भी अंदर है मेरे भी अंदर है। पहले उससे मिलके बातचीत तो करो, उसी हिसाब से तब तो वो प्रकट होगा। हम तो नाम रूप से बात करने लगते हैं, पहले मैं हो जाती हूँ फिर सामने हो जाता है। तो नाम रूप से नहीं, नाम रूप नाश करके ब्रह्म के प्रकाश में गुरु के विचार से चलो। दूसरा कुछ भी कर रहा है, हम सत्य हैं तो हम अपनी इंद्रियों को रोकें,
क्योंकि हम लोग ही गुरु जी का ज्ञान देना है, हम ही सत्संगी हैं, हम ही कहलाते हैं बाहर, सामने कोई नहीं हमारे बोलता है, लेकिन पीछे में जरूर कहता है अरे कर तो रही थी, बनती तो थी, कर ही रही थी। चार सत्संगी आएंगे लड़ने लगेंगे, खूब लड़ाई हो रही है, बगल के कमरे में बैठा बेटा बोलेगा, पोता बोलेगा, लड़ती तो रहती है। क्यों लड़ाई हो रही है? क्योंकि तुम मान नहीं रहे हो, तुम मनवाने की कोशिश कर रहे हो। तुम्हारे अपने घर में क्यों लड़ाई होती है? क्योंकि तुम मान नहीं रहे हो, अपने मनवाने की कोशिश लोगों को कर रहे हो अपने सत्य सा के आधार पे, क्योंकि मैं सत्य हूं, मैं बड़ी हितैषी हूं, मैं बड़ा हितैषी हूं, डंका अपने ही तो पीटने में लगे हो, मैं का डंका तो रावण जैसे विद्वान का नहीं रहा था, हमारा तुम्हारा कैसे रहने वाला है, सोच के देख लो। बोले अगर चाहते हैं सच्ची शांति पाना, लगा गोता अंदर शांति, ये सब खेल है तपा, जो तेरे भाग्य में भी नहीं है वो भी मुझे तुम्हें मिलेगा अगर गुरु रीझ जाएगा तो, और जो तेरे भाग्य में है अन्यथा वो ही तेरी करने का फल तेरे सामने, तुझे पता नहीं कब सुख मिलने वाला, मिलेगा कि नहीं मिलेगा, लेकिन अगर गुरु के विचार से सिर्फ इंद्रियों को हम रोकते हैं तो यहीं हम बैठे हैं, कसम खुदा की इसी दरबार की बात कर रहे हैं, यहीं बैठ के देखना सारे सुख वैभव यहाँ के भी मिलेंगे, लास्ट में मोक्ष भी मिलेगा, ये मेरे स्वयं के साथ है, इसलिए अनुभव मेरा खुद का है, इसलिए हमको बिल्कुल सीना ठोक के बात करें, लेकिन शर्त है क्या तू पात्र है, क्या तूने गुरु के विचार से इंद्रियों का कंट्रोल किया है, जब क्रोध आए तो वाणी रोकी है, दूसरा चाहे कितना भी बोल रहा हो क्या वहां पे वाणी रोकी है, और क्या उस जगह में अपने को एनहांस किया है, या दूसरे की वाणी को रोकवाया है हमेशा, भगवान बिल्कुल दे देगा, प्रेम की प्यास जगाने की बात है, क्या प्रेम की प्यास है, सत्य पाने की, सत्य ही परमात्मा है, परमात्मा ही प्रेम है, क्या वो प्यास है, प्यास है तो इंद्रियों को रोकना हम सबको, बाकी काम सब गुरु जी का है, शक्ति वो दे देंगे, बुद्धि में हमारे वो बैठते हैं, ताकत वो देते हैं, बुद्धि में विवेक वो खोलते हैं, और विवेक में आंखें दो अंधे हम लोग हैं, नाम रूप वाले हम अंधों की तरह से संसार देखते हैं, वो आंखें हमारी बनाते हैं और हमें आंख देते हैं, क्या आंख मेरी इस सब तरफ मैं ही हूं, तेरे अच्छाई के लिए सब हो रहा है, मैं तुझे अपनी तरफ ही लगा रहा, ये संसार तो कसम खा रहे हैं, वैसे ना बालू में तेल निकालने की कोशिश करो, संसार मुट्ठी इसमें रेत मुट्ठी में जरा सा पकड़ने की कोशिश करो, धीरे धीरे पता नहीं कौन से छेद से रेत निकलती जाएगी और मुट्ठी खाली हो जाएगी। बोले ऐसा ही संसार है, कहीं से कहीं तक देख लो, लेकिन ये गुरु जी के कारण यही संसार असार संसार में भी बड़ा रसाने लगे, बड़ा अच्छा लगने लगा, भगवान के विचार से जब अपने आप को संभालने लगे, अपनी इंद्रियों को गुरु के विचार से चला लिए, तो इसी संसार में परमात्मा प्रकट होने लगा हमारे तुम्हारे लिए, तो क्यों गुरु जी को नाराज करें हम तुम, क्यों नाम एक को सादे रहे, अपनी बस इंद्रियों को गुरु के विचार से खोलने बंद करें, सारे सुख वैभव ना तुम्हारे हमारे चरणों में आए तो मुंह पे आके थूक सकते, खुल्ली खुल्ले दरबार में थूको चलेगा, अपमान है गलत, बाकी अपने आप जानो क्या होता है फिर उसके बाद, गलत लेकिन है बिल्कुल सच्ची बात है, बस इंद्रियों को रोकना, जब मोह आ रहा है बोले सारे भूत हैं, इन भूतों के वश में हम लोग हैं,
ये विकार सब भूत है, हम इनके वश में हैं। इन भूतों को अपने वश में करने का काम गुरु जी सहायता से करना है हम लोगों को, इन श्वासों के रहते हुए यही काम बस इतना ही तो करना है और करना क्या। लेकिन कठिन है क्योंकि पांचों भूत सवार है, जब सोच के देखो तो कैसे कैसा तांडव, पांचों भूत जो है जो कहते नहीं है इस पे तो बोले वो भी साया है वो भी साया है वो भी साया है, तो बस झाड़ू से मारते हैं ऐसे ऐसे करके धुआं जाने कितना कितना दिखाते हैं, जाने क्या क्या दिखाते हैं। तो क्या भूत ही तो है, जो है तो अपनी अपना, लेकिन क्या भूत उसके उसको परेशान करें तो उतरवाते हैं भूत उतारने के लिए, वो जाके पास ले जाते हैं। गुरु जी ने बताया भूत भूत नहीं होता है, तुम्हारे विचार ही भूत हैं, तुम्हारे विकार ही भूत हैं, और इन विकारों को मैं तुम्हारे निकाल दूंगा दिखा दूंगा तो तुम इनसे हमेशा बची रहोगी। जैसा मैं कहूँ तेरा शरीर अब तेरा नहीं है, मेरा है, इंद्रियों की मेरे विचार से खोलो। गुरु जी ने कह दिया, बड़े खुश गुरु जी ने बोल दिया, अब तुम जब मैं कहूँ तब आना। अरे भैया इतने खुश, इतनी शांति अंदर में आ गई, क्योंकि ईगो से बड़ी प्रॉब्लम थी। गुरु जी जब बोल अभी तो इस जगह जानना है गुरु जी के पास, इस जगह इस समय जाना है इस समय जाना है, लेकिन गुरु जी ने सब देख दाख लिया समझ लिया कि हर तरह से हो जाता है, मतलब आ जाता है ये कर, तो उन्होंने दूसरा ही दे दिया वचन। सारा वचन गुरु जी के हिसाब से ही तो बात हुई, नहीं तो सारे बंधन कैसे खुलते। पहले बंधन था, बंधन में फिर ईगो में रहता था, जाना है तो आए तोबा करके जाओ। कभी गुरु जी कह देखो रिझा के आना, अब रिझा के आने में तो बड़ी दिक्कत है यार, तू तड़ाक करके तेजी से तो बम्बारमेंट करके पटक पटका के तो आराम से रास्ता मिल जाता है, लेकिन रिझा के और आओ भी मेरे पास और रिझा के आओ, उसमें बड़ी यार दिक्कत हो गई, बहुत दिक्कत कि सामने वाले को रिझाना भी है और जाना भी है गुरु जी की वचन है। अरे पहले तो तांडव मन ने क्या फोन करके आया, इतना तांडव अंदर ही अंदर झनका पटकी शुरू हो गई। हम तो सब करते रहते हैं, सबको जाने देते हैंगे, लेकिन बोल नहीं रहे कुछ, लेकिन काम करते करते पटक पटका पटकी पटकी कर रहेंगे, खूब पटका पटकी, क्योंकि मन से तो दिक्कत हो रही है, हैं? अब उसके बाद जब ये सब खत्म हुआ तो फिर मन से पूछा पटका पटकी, और बेचारे पटका पटकी में जो झल्लाहट से बर्तन बज रहे थे काम करते करते, उसमें किसी की हिम्मत तो होती नहीं मुझसे बोलने की, फिर सवाल ही नहीं होता इस समय कौन भूत के बगल में जाए। तो फिर गुरु जी से प्रीत थी इसलिए तुरंत विचार किया, बेलन में रोटी बेलन से बेल रहे थे, ये एक बात बताओ तुम ये झनका पटकी क्यों कर रहे हो, तुम्हें सच में प्यार है, तुम सच में गुरु जी के पास जाना चाहती हो या दिखावा करना चाहती हो। अगर सच में जाना चाहती हो तो गुरु के विचार से, गुरु ने कहा रिझा के आने को, तो अभी तो तुमने किसी से पूछा भी नहीं है, फिर तुम क्यों जो है ना अभी झनका पटकी शुरू हो गई कि दिख, क्योंकि मन की आदत है अपनी कर रख, मन की करने के लिए इधर उधर ऐसे बिहेवियर करो ताकि मेरे मन की हो जाए, यही आदत थी। अब उसमें क्या हुआ जब गुरु जी ने कह दिया, मतलब मन को तो मन ढीला पड़ गया कि नहीं जानना तो है, प्यार तो है गुरु जी से, तो फिर झनका पटकी बंद करो, पूछो तो सही पहले किसी से प्यार से कि हमें जाना है जाने दे, इजाजत तो मांगो प्रेम से। आप सोचो जब मन ढीला पड़ा अपनी गलती देख लिए तो इतनी ताकत नहीं थी कि प्रेम से नम्रता से किसी से पूछ सके कि क्या हमें जाना है गुरु जी के पास चले जाए। ये शब्द मेरे मुंह से नहीं निकले, रात के
सबको खाना खिला दिया। जब नम्रता में आए तो इतने नम्र हो गए कि सब कुछ बड़े अहोभाव से करने लगे, लेकिन जो गुरु जी की वाणी जो वचन था कि पूछ के आना, प्यार से आना, रजा से आना, उसके लिए मुंह ही नहीं खुला, ऐसा मन हो गया भयभीत। मन है, मन के तांडव हैं ये सारे, कभी बड़ा शेर दिखाएगा अपने आप को, कभी ऐसा बिल्ली बन जाएगा कि वो तो किसी के सामने उठ ही नहीं सकता, पूछ ही नहीं सकता, वाणी ही नहीं निकली। और उसमें भी आप सोचो, वाणी जब नहीं निकली, बड़े आराम से सब बन बन करा के ऊपर चले गए। सोच बुद्धि ने क्या किया, दांव पेच खेलता है ना मन, तो मन ने दांव पेच क्या खेला कि अभी तो दो दिन है, कल सुबह पूछ लेंगे बाबूजी से, अब इस समय सोने दो। मन अपनी हरकत से बाज नहीं आता, नम्रता में भी ये हरकत, अच्छा अभी तो दो दिन है, कल चले जाएंगे, कल सुबह पूछ लेंगे, फिर निकल जाएंगे। उसके बाद क्या हुआ, ऊपर पहुंचे, नहीं पूछे तो अंकुर स्वयं पर, हम जैसे कुंडी बंद करने लगे तो इसको हम सब बताते थे, तो हमने से कहा तुमने, तो इसने हमसे कहा मम्मी बाबा से पूछ लिया सुबह जाना है ना आपको, हमने कहा अब कुंडी आधी बंद आधी खुली, हमने कहा पूछा नहीं है, अभी सुबह पूछ लेंगे। बोले अरे अभी पूछिए, अब देखो देखने में आएगा बच्चा, लेकिन बच्चे के रूप में भगवान प्रकट हो रहा है, वो कह रहा है अरे अभी पूछिए तभी तो सुबह जा पाएंगे, नहीं तो सुबह जब उठेंगी अब चाय वाय बनाएंगी बाबू जी से पूछेगी बाबा से, तब तक तो देर हो जाएगी फिर बहुत। अब तो लगा जगह तो नहीं है, जरा सा ढीले हुए। अच्छा, मतलब मानने की किसी की आदत नहीं थी, किसी व्यक्ति की अपनी मनवाने की आदत में, और बड़े प्रेम के प्रपंच में बैठे रहते थे कि हम बड़े प्रेमी है भगवान के। जब मन का दर्शन कराया गुरु जी ने कि देखो कितना ढीला हो गया, और अब जो है ना बात भी नहीं पूछ पा रहा है नम्रता से, फिर भी भगवान ने प्रकट होके अंकुर के रूप में हमें साहस दिया। तो हमने जैसा ढीला किया अपने आप को, उस समय हमने उसको बच्चे की तरह से ना लेके ईश्वर की तरह से लिया कि ये बोल रहा है तो सुन ले, आवाज आई है नेचर से, तो हम अभी इस समय पूछ लें। तो उस समय जरा सा जो स्वीकृति में आए तो क्या हुआ, भगवान जैसे फिर सहयोगी बन गया कि नीचे से आवाज आ गई बाबू जी की, लता लता जोर जोर से, मतलब उनको कुछ हो गई तो नीचे जोर जोर से आवाज दी, तो तुरंत हमें तो मौका मिल गया नीचे आने का, अंकुर तो कही रहा था, हमने नीचे करी कुंडी, नीचे चले गए। उनके उनके सर में बहुत दर्द होने लगा, मैं बोले लता मरे लगा दो, बाम बाम लगाया, बाम लगा के आंखें बंद करने उन्होंने कहा बत्ती बंद करो जाओ। अब हमें तो अपनी बात कहनी थी, तो हम वही सामने सोफा पड़ा था वहीं बैठ गए, बत्ती बंद नहीं करी हमने, तो बत्ती जब नहीं उन्हें बंद कर, आंखें बंद उन्हें समझ में नहीं आया बत्ती बंद नहीं हुई है, तो उन्होंने आंख खोली, देखा हम बैठे में, बोले क्या बात है कुछ कहना चाहती हो, यहाँ भी हमारे अपने आप में मुंह फूट रहा था, कहते पल पल में ही गुरु ही प्रकट होके इन इन रूपों में अपने आप ही हमें शक्ति दे रहा था, हमसे पूछ रहा था। तो बोले भगवान बाबू जी, बोले आंख खोली, बोले क्या कुछ कहना चाहती हो, जब उन्होंने इतना कहा कुछ कहना चाहती हो, फिर हमारा साहस हुआ, हमने कहा हाँ भगवान की तबीयत नहीं ठीक है, और दिल्ली दो दिन की छुट्टी भी है, अक्टूबर था बृहस्पति था, 2 अक्टूबर बृहस्पति एक साथ था, तो हम चले जाए। उनको थोड़ा आराम पहुंचाया था, तुरंत बाम लगा के उनके मुंह से निकल गया चली जाओ। अरे इतने खुश हुए, ऐसा काम करते जरा सा झुकने में भी कितनी प्रॉब्लम, ये मन को देखने की कला सिखाई गुरु जी ने, नहीं तो मन के साथ रह के कर्म करना आता है, मन को देख के रुकना बोलना थमना कुछ नहीं आता था, ये सब गुरु जी ने कहते उंगली पकड़ पकड़ के चलाया है। और कैसे सहयोगी बने हैं गुरु जी इतने रूपों में, तभी तो लगता है मन को देख के कि भाई यार मन कैसा है, ये तो गुरु की कृपा ही कृपा है और कुछ ही नहीं, जीवन में गुरु की कृपा के अतिरिक्त तो है क्या, अपनी करनी क्या है, हम लड़ते रहते हैं करनी के नाम पे रहते हैं फालतू में, क्या हम ज्ञान ले रहे हैं, किसकी मानते हैं हम, कोई जीवन में एक है हमारा झुकता हो सर,
हारते हैं, हम चाहे जितनी बड़ी बड़ी कर लेकर अपने मन रावण को ही, अपने मन को ही बनाए पड़े हैं भगवान, और कहते हैं भगवान मानते हैं, मूर्खता की छोटी बात, छोटी बातें मत करो। जय सतगुरु की बुआ। अभी जैसे आपने ऐसा ही आज सेम थोड़ा सा हुआ अभी सुबह ही, अभी हमारा ना मैनेजर चेंज हुई है, तो वो ना थोड़ी सी मतलब अपने में रहने वाली है कि वो 17 साल से कंपनी में है, तो वो जो कह रही है बस वही सही है, वो नहीं समझती, तो गुस्सा आ जाता है कई बार कि 17 साल से है तो क्या हुआ। मतलब कल हम यही बड़बड़ा रहे थे उनके बारे में, 17 साल से है तो क्या हुआ, ये प्रोसेस में थोड़ी काम किया है, हम 1 साल से कर रहे हैं, हमें पता है इस प्रोसेस में क्या है, नया प्रोसेस है, पूछे तो समझे तो सब बर्बाद कर दिया, सारे रिजल्ट्स बर्बाद कर दिए, यही चल रहा था। और उन्होंने कोई शीट बनाने को दी थी, हमने नहीं बनाई गुस्से में, हमने कहा इन्हें जानना तो है नहीं, समझना तो है नहीं, मैं नहीं बना रही, क्या होगा गाली तो पड़ेगी। अब कल रात को होगा कि चलो बना देते हैं, फालतू में क्यों गाली खानी, हम बनाने बैठ गए, लेकिन फिर भी मन में वही गुस्सा था कि हमें ज्यादा पता है। अब सुबह अभी जब आप ये बोल रही थी, हमें एकदम से रियलाइज हुआ कि अगर वो ये कह रही हैं कि हमें ज्यादा पता है, तो हम भी तो यही सोच रहे हैं कि हमें ज्यादा पता है, तो हम भी तो वही हरकत कर रहे हैं। तो हमने क्या किया, अब शीत बनी तो थी नहीं गुस्से में, तो हमने क्या किया, हमने आप जब तक बोल रही थी उसी में, उसी एक मिनट में बिल्कुल जो क्लिक किया गुरुजी ने हमारे दिमाग में जो बात डाली, हमने तुरंत अपनी मैनेजर को मैसेज कर दिया कि मैम वो शीट आज नहीं बन पाई है, आप हमें एक दिन का टाइम और दीजिए, हम आपको रात तक शेयर कर देंगे बना के। तो उनका तुरंत मैसेज आ गया ओके, वरना अगर ये बात वो खुद हमसे पूछती और हम वहां ऑफिस में जाके बोलते तो वो गुस्सा हो जाती कि इसने मेरे काम को फॉर ग्रांटेड लिया। तो गुरुजी ने आगे आने वाली चीज से भी बचा लिया, और जो अपने मन में एकदम से अहम उठा था कि हमें ज्यादा पता है, वो चीज भी रोक दी। अभी ये जो आपने बात बताई इसके थ्रू बिल्कुल अभी हुआ है ये, इसीलिए तो कहते हैं कि यहाँ की कोई भी बात अब हमको तो नहीं मालूम था, हम तो बस बता रहे थे, मन की गतियां बता रहे थे, कहीं ना कहीं अपने किसी आस पास के अनुभव से ही। तो तुमको भी वही परेशानियां या उसमें कैसे हल मिला, तो इसको कहते हैं ना ये दरबार सत्य का है, और जो हो रहा है वो सब अच्छा हो रहा है, लेकिन बस हम क्या कर रहे हैं ये कभी ना कहना, इसको गुरु के विचार से ही करना, तभी सत्य में रह के हम काम कर रहे हैं, अन्यथा हम असत्य में ही बैठ के, नाम रूप में बैठ के बुद्धि से काम कर रहे हैं, तो बुद्धि वाला ही तो छोड़ना है, तो ये है। लेकिन उसके बाद भी संसार में कहोगे कोई कुछ कहेगा नहीं, कोई कुछ करेगा नहीं, ऐसा नहीं होगा, सारा आनंद तुम्हारा अंदर है, और सारी कर्तव्य तुमको अपने जो करने हैं वो करो, सामने वाले से प्रभावित होकर मत करो, तुम्हें अपने गुरु के विचार से करने हमें, तुम्हें दरबार है ना, दरबार में गुरु रंकुलों को शिक्षा देते हैं, रोज ही बताते हैं ऐसे अपने इंद्रियों को संभाल के सही कर्म करो, फिर तुम्हारे हमारे लिए भगवान है प्रकट हो जाएगा, लिखित बात है, कर्म होता है, भगवान तो लोगों को उठा देता है, चाहिए होता है ना कि अगर हमने कोई गलती की तो गुरुजी कभी ये नहीं कहते कि गलती करने के बाद इसने सुधारी नहीं है, या इसने गलती करके अब सुधार रही है तो हम इसको मदद नहीं करेंगे, ये भी नहीं होता। अगर हम रियलाइज भी कर लेना कि वो गलती है हमारी, वो इतने सहज में उस चीज को निकाल देते हैं कि बिल्कुल पता भी नहीं चलता कि अरे हमने क्या क्या सोचा था और देखो क्या हुआ, इतने में ही निपट गए हम। तो ये मान लो तो गुरुजी, अरे गुरुजी मान लेने पे, जब कभी हम अपना मन बहुत बताते थे गुरुजी को तो कह तो मेरे साथ भी ऐसे ही होता था, वो अपनी एक घटना बता देते, या कभी हमें सपने में दिया हम कुछ कहे तो दिल के कोई बात नहीं, सपना है सपना है, और ये स्वाभाविक है, ये मन ऐसे ही है, कभी उन्होंने डांटा नहीं, लेकिन जब मन की हरामजादगी करेगी ढीठ बने और मन माना करे तो गुरु जी डांटे ना, ऐसा थोड़ा ना होता है, फिर तो गुरु जी चाबुक लगे, नेचर से चाबुक लग जाता बढ़िया वाला, ये सीधे हो जाते थे। तो कहते नहीं गुरु, जब तक अपने अंदर में हम गुरु को रख, गुरु के अंदर में तब तक हमें नेचर छू नहीं सकती, और गुरु के विचार में हम है नहीं तो नेचर फिर बड़ी कसाई है, ये भी बताते हैं, बहुत कसाई है,
इतना देखो ना संसार में कैसे मरते हैं, कैसे कटते हैं, कैसे जलते हैं, कैसे भूकंप आ जाता है, खत्म हो जाता है, सुनामी आई, खत्म हो गए, एक झटका लगता है। क्यों? ये भी हमको लगता था भगवान ने कैसे, एक कानपुर में शायद हुआ था तब ये ज्ञान हुआ था, कानपुर में कोई उपकार सिनेमा था, कौन सा उपहार पता नहीं, वहां बच्चे के बच्चों की डेथ हो गई थी बहुत सारे, कोई ब्लास्ट ब्लास्ट हो गया था, जल कहते थे तब, तो ऐसा हुआ था, बच्चे पिक्चर देखने गए थे पिक्चर हॉल में, तो लगा था बहुत तकलीफ हुई थी अंदर में ये सोच के कि बच्चों का क्या दोष है, ये क्या है, मतलब बहुत लगता था, बहुत तकलीफ हुई थी उस समय कि ज्ञान क्योंकि गुरु जी से ले रहे थे इसलिए बहुत तकलीफ हुई थी। तो बाद में धीरे धीरे समझ में आया कि हम सब तो माटी के खिलौने हैं, जैसे एक माँ बाप क्या करते हैं जब बच्चे को खेलने के लिए भी देते हैं बढ़िया बढ़िया 10-10 हजार के खिलौने दे देते हैं, और बच्चा पढ़ाई ना करे जो उसका काम है, तो उस समय माँ बाप उस खिलौने को भी तोड़ देने में दिक्कत नहीं करते, क्यों वो उन्होंने 10 हजार का लिया है, लेकिन बच्चा इस समय पढ़ाई नहीं कर रहा है इसलिए क्या करते हैं तोड़ देते हैं, क्यों वो फिर वो ले आएंगे बच्चे के लिए, उन्हें मालूम होता है लेकिन इस समय से पढ़ाई कराना जरूरी है। तो ऐसे ही परमात्मा है, उसी के तो हम सब खिलौने बने हुए मट्टी के, वो जितने चाहेगा उतने पैदा कर लेगा, है तो सबका अपना अपना कर्म का लेन देन चुक रहा है, लेकिन भक्त इस लेन देन से बचे रहते हैं, भक्त जो होते हैं वो इस लेन देन से बचाए रखता है गुरु, क्योंकि उनके पास गुरु होता है, हम लोगों के पास गुरु है, हमें वो प्रकृति के हथकंडे में लाने नहीं दे, प्रकृति क्योंकि भगवान, भगवान की प्रकृति है और गुरु का दास है भगवान, तो गुरु इसलिए गुरु को हमेशा रिझा के रखने के लिए क्या है, हम सिर्फ प्रयास करें अपनी इंद्रियों का संभाल, हम संभाल रहा है जो उसको लिए भी अगर हम बोलेंगे तो प्रकृति हमारे लिए बहुत कसाई हो जाती है ना, तो प्रकृति के हाथ में नहीं जाने देता है गुरु, हर तरह से बचाता है हम लोगों को, इसलिए हमें बचना है और कुछ नहीं करना है, हमें अपनी इंद्रियों को संभालना है, बाकी काम तो गुरु जी कर ही रहे, कुछ नहीं करना है, सिर्फ इंद्रियों को संभाल के यूज करना है, क्योंकि जैसी हमारी इज्जत है वैसी सबकी इज्जत है ना, ऐसा बस, इसलिए नहीं, हमने तो बस आपसे बोला ही बात, मेरे अंदर भी तो साक्षी बैठा है जो तेरे अंदर बैठा है, उसने भी तो सुनी ना कि तुम अपनों के लिए भी अपने लिए भी क्या कर रही हो, क्या कर रहे हो, और हम ही तुम शांति पाना चाहते हैं, बोले शांति संसार में नहीं है, गुरु के विचार से चलने में, इंद्रियों को रोको गुरु के विचार से, गुरु ने नहीं कहा है बोलो, एक गुरु के घर में भी मेरी तुम्हारी आदत नहीं पड़ी, गुरु के सामने भी आदत नहीं पड़ी, संसार में कहां कैसी झूठी बात है कि मेरी आदत बन गई है, तभी बोला गया कहां कहे किससे सुनाए क्या, चखा जिसने वही जाने, बहुत दिन की पड़ी आदत बातों से नहीं बदलती है, आदत पड़ी हुई है गंदी, बोले रोकनी पड़ेगी, सही गलत के करके झगड़ा क्यों करते हो, क्या करते हो, अपनी आदत को रोकना है हम लोगों को, और ऐसे ही आते हैं प्रश्न पत्र एकदम से अचानक से आ जाते हैं, यहाँ कोई कह के थोड़ा ना आएंगे, यहाँ तो अचानक से आ गए, हमने अगर अपने गुरु के हम हैं तो हम रोक लेंगे अपनी इंद्रिय को, रोकना है, जितना रोकोगी उतना देखोगे कैसा आराम मिलेगा, अंदर मिलेगा चैन, अंदर प्रेम प्रकट हो जाएगा परमात्मा का, तो बाहर प्रेम ही प्रेम है, कहते नहीं मैं तो कांटा भी कली लगता है, कली भी कांटा लगती है, ये गुरु के बीच पहले, लेकिन गुरु जब बीज डालता है तो कांटा भी कली लगता है, ये गुरु के साथ का उनके विचार से चलने पर अंदर में ऐसा महसूस होता है, जो हो रहा है अच्छा हो रहा है, जो हो रहा है बात है अच्छा क्या है, इसमें इसकी तरफ जाना, इसमें भगवान हमारी क्या अच्छाई कर रहा है, हमारों की क्या अच्छाई कर रहा है, ज्ञान ये नहीं है कि ये गलत ये सही, दोनों ही सही, सब सही, बात बस सिर्फ इतनी सी है कि
इंद्रियों को गुरु के विचार से रोकने की कला आई कि नहीं आई? तेरी मेरी का मैं तू का झगड़े वाला ज्ञान नहीं। अब सही है यार, हम लोग सब भक्त हैं तभी तो आए हैं, सब गुरु जी से प्यार करते हैं तभी दरबार में बैठे हैं, नहीं तो बहुत दूसरी जगह चले जाए। लेकिन अपने जीवन के परेशानियां उलझने और उसमें जो राहत गुरु जी ने दी है थोड़ी थोड़ी देर में, हम लोगों को अपने विचार से सब गुरु के साथ ब्रेन वॉश कर देते थे, उनके पास जाओ उलझन लेके बस सारा दिमाग जैसे शांत कर देते थे, झगड़ा रहते ही खत्म हो जाता था, अच्छाई दिखा देते थे। वो कितना करते हैं तुम्हारे लिए बेटा, तुम्हारे लिए तो कर रहे हैं, उनके लिए अब कौन है, उनके तो बेटे कोई कोई नहीं है। सोच के देखो, वो जो भी झगड़ा कर रहा है, जो भी कर रहा है, वो तुम्हारे लिए कर रहे हैं, तो तुम उनके चिल्लाने को गलत ना करो। लेकिन हम लोग भक्त हैं तो हमें ये काम करना है, वो तो नहीं ज्ञान ले रहे थे, हम ज्ञान लेने के बाद भी अगर यही काम कर रहे हैं तो फिर हम काहे के भक्त हैं? हम तो मनमर्जी कर रहे हैं, सही गलत के फैसले में लगे हुए आज भी। बोले ना, हमें अपने आप को रोकना है, अपनी इंद्रियों को रोकना है, इज्जत करनी है, तभी तो हमारी इज्जत होगी। हम किसी की इज्जत ना करें तो हमारी इज्जत होती रहे। गुरु जी तो एक बच्चे की भी इज्जत करना सिखाते थे, सही बता रहे हैं। हमने गुरु जी से सीखा या अपनी ननद से सीखा? नहीं तो मेरे अंदर इज्जत नहीं होती थी लड़कों को लेके या लड़के से, सच बता रहे हैं, मेरे अंदर नहीं होती थी। लेकिन हमने अपनी नन से देखा, वो बड़ी इज्जत करती थी मर्दों की, नन्हे से बच्चे के लिए, या गुरु जी को देखा कि गुरु जी भी बहुत मर्यादा से बात करते, बहुत अच्छे से। हम सीख रहे हैं, आज हम सीखे नहीं, आज भी हम सीख रहे हैं, अपने को सीखने वाला। लेकिन हम गलत सही नहीं करते, ये गलत ये सही, या हम सही तुम गलत, ये वाला ज्ञान नहीं ले रहे, ना लिया है ना ले रहे। कैसे इस दरबार में कहेंगे, जो भी ले रहा है वो गलत, अगर अशांत है तो वो अपने कारण से, प्रेम से रहित है तो वो भी उसका अपना इंद्रियों की चपलता से है, उसके बाद भी गुरु की कृपा भरपूर है हम सब पे। आंख बनाओ अपनी गुरु से और देखो कि कैसे सब प्रेम करने वाले, सब कैसे हितैषी हैं, हमारे पास आंख, अपनी आंख बनवानी है ना। डॉक्टर के पास जाके तो कैसे आंख बनवाते हैं, मोतियाबिंद आ गया, झाला आ रहा है, दिखता नहीं है, धुंधला दिखता है, व्यक्ति की आकृति दिखती है, पूरा व्यक्ति जब पास आ जाता है तब दिखता है, तो डॉक्टर ऑपरेशन करो, पैसा भी देते हैं जाके। अब गुरु के ज्ञान से तो इतने अहंकारी हो गए कि हम ज्ञानी हो गए, बाकी सब अज्ञानी, कोई लिहाज नहीं, कोई इज्जत किसी की नहीं। अब भी समय सजग हो, सजगता चाहिए और कुछ नहीं, सिर्फ सजग हो जाओ। अभी भी सांसें हमारे पास आपके पास है, हम अभी भी ये काम अपना करके अपनी आगे की यात्रा को भी बड़ा शांति वाला भयभीत नहीं हो रोज वाली हुई, अभी भी शांत रहेंगे, अभी भी परमात्मा का प्यार मिलेगा। और सबके अंदर परमात्मा है, एक कुत्ता भी तुमको देख के डरेगा नहीं, तुमको भौंकने के लिए नहीं सोचेगा, क्यों? क्योंकि जान रहा है ये अपने रास्ते जा रही है, मैं अपने रास्ते जा रहा हूँ। वो थोड़ा सा एक बार भयभीत भी होगा, लेकिन तुम उसकी तरफ ध्यान ना दो, बस ऐसे निकल जाओ प्यार से, तुम बैठे हो, हमें कोई दिक्कत नहीं, हमें भी चलना है, इसलिए हम ध्यान से चल रहेंगे तुमसे बच के। तो वो भी धीरे से फिर सो जाएगा, एक कुत्ता भी वहीं पे, और गुड़क दिया, उसने ऐसे किया, तुमने भी गुड़क दिया, तो फिर वो भी अलर्ट होकर काटने को दौड़ेगा, क्यों नहीं दौड़ेगा? तो एक कुत्ते के साथ ये बात है, तो इंसानों के साथ कैसी बात है? हम इंसानों को क्या समझ रहे? विचार से ज्ञान, विचार का ही विचार, सिर्फ विचार। बहुत अच्छे हैं, बहुत है। इंद्रियों की शक्तियां बाहर की ओर, जो
बाहर से मोड़ करके अंदर में जोड़ दो, कर सकल द्वार बंद समाधि लगा के देख। समाधि के बैठ के ऐसे कहीं गुफा में बड़े बैठ जाना जाके, नहीं, समाधि मतलब सम स्थिति में रहो, ना वो गलत ना तुम गलत, मन गलत टकराता है। तो मन को जो है ना क्या करो, देखना है तो अपना रोकना सीखो, दूसरे का रोकना रुकवाने की कोशिश करो, खुद को पहले संभालो तो दूसरे को संभाल सकते हैं। अपने आप को रोके हैं तब हम दूसरे को बोल सकते हैं। आज यहाँ बोल रहे हैं तो अपने को रोका होगा तभी आप सुन रहे हैं, नहीं तो आप में के अंदर भी कोई ऐसी बहुत अच्छाई नहीं ना मेरे अंदर अच्छाई है कि मेरा कोई सुन सके, तब गुरु जी की कृपा है ना, उन्हीं की अमानत है, उनकी अमानत में खयानत नहीं करनी। तीतर है सखा तेरा सखा, मन लगा के दे अंतःकरण में ज्ञान। तीतर है सखा तेरा सखा, मन लगा के दे अंतःकरण में ज्ञान की ज्योति जला के दे, ज्योति जला के दे। की शक्तियां बाहर की ओर जो शक्तियां बाहर की ओर जो बाहर से मोड़ कर के अंदर में जोड़ दो, बाहर से मोड़ कर के अंदर में जोड़ दो, कर सकल द्वार बंद समाधि लगा के दे, कर सकल द्वार बंद समाधि लगा के दे अंतःकरण में ज्ञान की ज्योति जला के दे, ज्योति जला के दे। भीतर सका तेरा सका, मन लगा के दे अंतःकरण में ज्ञान की ज्योति जला के दे, ज्योति जला के दे। शुद्ध आत्मा अपनी रचना का ध्यान कर, शुद्ध आत्मा अपनी रचना का ध्यान कर, निश्चय जो जाएगा महिमा का गान कर, निश्चय जो जाएगा महिमा का गान कर। आत्मा के आनंद का जीवन बना के दे, आत्मा के आनंद का जीवन बना के
ज्ञान गलत लग रहा है, गुरु गलत लग रहा है, हम जबरदस्ती आ रहे हैं, रोज बैठ रहे हैं, क्यों भाई, क्या जरूरत है, जाओ निकलो तो इस दायरे से जरा बाहर, तब पता चलेगा क्या है, किस छत्र छाया में थे और हैं हम लोग, पता नहीं है कि कौन सी छत्र छाया में है। तो इसलिए अहंकार नहीं करो, अपनी श्रद्धा की देवी को मनाओ, अपनी श्रद्धा की, दूसरे की श्रद्धा की नहीं। छह सत्य